hello students myself shalini assistant professor of mathematics kanyama mahavidyalaya today we will study the chapter motion of a particle in three dimension first topic we will cover is velocity and acceleration of a particle along a curve the curve may be plane or any other curve so let us consider a particle moving along a curve ab where and on this curve assume points p and q any two positions of a point at uh, time t and t plus delta t respectively then position vector of op is r and position vector of q suppose oq is at r plus delta r then by, by vector calculus we okay. can easily uh, write that pq is equal to delta r नाउ एज वी नो दैट विलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है विलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इसलिए विलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा करली आ बाय कलटी लिमिट कली टी टेंस टू जीरो देयरफोर विलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला बना डी आर बाई डी टी अब डी आर बाय डी टी अगर इस विलोसिटी को के, के फॉर्मूले को हम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं विलोसिटी डी आर बाई डी टी बाई चेन रूल हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी जहाँ पर डी एस क्या है आर्क लेंथ हमारे पास बनेगी पी क्यू अगर हम आर्क लेंथ डेल्टा एस मान लें तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से डी आर बाई डी एस क्या बनेगा टी कैप और डीएस बाई डी टी क्या बनेगा हमारे पास वी जहां पर आप देख सकते हैं जब ये वैक्टर फॉर्म होगा हमें एरो लगानी है यहां पे ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और t कैप डी आर बाई डी एस हम पढ़ चुके हैं ये हमारे पास क्या होता है यूनिट वैक्टर अलोंग द टेंजेंट होता है और इसकी डायरेक्शन जो हमें दे रही है वो डायरेक्शन ऑफ विटी दे रही है वेलोसिटी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म या फिर उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम से टी तो जैसे हमें पता है एक्सलेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल होता है फॉर्मूला क्या बनेगा डी वी बाई डी टी अब डी वी बाई डी टी हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी की वैल्यू डी ऑफ डी डी ऑफ वी टी कैप मतलब डेरीवेशन ऑफ वी इन टू टी कैप दो प्रो, आ, आ, यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफ्रेंसीशन का तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफ्रेंसीशन हमने किया है फर्स्ट अब का डिफ्रेंसिएशन लिखा है हमने सेकेंड एज इट इज लिखा है तो सिंपल बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंसीशन हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है अब यहाँ पे डी टी कैप बाय डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं अगेन बाय चेन रूल हम लिख सकते हैं डी टी बाय डी एस इंटू डी एस बाई डी टी जहाँ पे डी एस बाई डी टी की अगेन वैल्यू क्या होगी वी मैग्नीट्यूड जिसको हम एक वी पहले था एक वी मैग्नीट्यूड यहाँ से आ गया हम वी स्क्र लिख देंगे हेंस हमने एक्सलेशन को कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में लिख दिया है कंपोनेंट्स दो कौन कौन से आए हैं टी कैप के साथ हमारे पास डी वी बाई है और नेक्स्ट हमारे पास वी स्क्वेयर है डी टी कैप बाई डी एस से अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक दो वैल्यूज़ देखते हैं डी टी कैप बाय डी एस अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है डी टी कैप बाय डी एस की वैल्यू कापा एन कैप होती है बाय सेरेट फर्नेट फॉर्मूला तो हम यहाँ पे डी टी बाई डी एस को कापा एन कैप लिख सकते हैं एन कैप एन क्या होता है नॉर्मल वेक्टर होता है हमारे पास तो कापा की वैल्यू होती है वन बाय रो रो रेडियस वेक्टर तो यहाँ से एक्सलेशन जो हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखी थी कैसे हमने लिखी है एक्सलेशन बाय फॉर्मूला हमने बाय डेफिनेशन फॉर्मूला लिखा v की वैल्यू हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख के प्रोडक्ट रूल लगाया डिफ्रेंसीशन का प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डी टी कैप डी टी कैप बाय डी टी पे चेन रूल अप्लाई करके हमने डी एस बाय डी टी को वी रख दिया है और डी टी कैप बाय डी एस को बाय सेरेट पर फॉर्मूला कापा एंड कैप रख लिया है तो हमारे पास यहाँ पे दो आ आगे हैं एक्सलेशन के एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया है इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस लेंथ आर्क लेंथ और एक हमारे पास वी स्क्वेयर कापा या फिर हम कह सकते हैं वी स्क्वेयर बाय रो कापा की वैल्यू पुट करके वी स्क्वेयर बाय रो हमारे पास क्या हो गया नॉर्मल कॉम्पोनेंट हो गया और ये नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या है डायरेक्टेड टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ तो हमारे पास ये और पार्टिकल की और और उसका होता है। Next हम देखते हैं अब एक और आर्टिकल, और पार्टिकल इन और पोलर तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसीडर करते हैं पहले ओ एक्स ओ वाई ओ जेड हमारे पास तीन एक्सेस हो गई पी हमने क्या मान लिया है पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम मान लिया है यहाँ पी एन से फिर हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे कहाँ पे x o वाई प्लेन पे तो पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया ऑन x o वाई प्लेन ओ एन की वैल्यू हमने रो मान ली है ओ पी हमने पोजीशन वेक्टर आर मान लिया है और जो हमारे पास एंगल पी ओ जेड है वो थीटा ये आर ओ थीटा तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी होते हैं और जो हमारे पास प्लेन एक्स ओ वाई में जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये स्फीयर ड्रॉ करें हल्का सा तो जब एक्स ओ के हमारे पास एंगल बनेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा हम अज्यूम करते हैं फाई इसको अज्यूम कर लेते हैं ये तो ये सारी आर्टिकल के लिए हमारी अजम्पन्स थी सब ए, एक और बात अगर हम देखें स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको क्यों कहते हैं अगर हम इन सभी एजम्पन्स के साथ पी पॉइंट को रोटेट करते हैं पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम में तो पी पॉइंट जो पाथ ट्रेस करता है जो इसके सभी हम आ, ग्राफ देखेंगे वो क्या बन जाएगा स्फेरिकल बन जाएगा इसीलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट एंड की पॉइंट एन पे हमारे पास एक्सरलेशन क्या है दो कंपोनेंट्स हम एक्सरलेशन के देखते हैं एक हम देखते हैं रेडियल और एक हम देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सरलेशन पॉइंट एन जो हमारे पास कहाँ पे है एक्स ओ वाई प्लेन पे है तो एक्स ओ वाई सिर्फ अगर हम जेड ओ जेड अभी कंसीडर ना करें सिर्फ हम ओ एक्स और ओ वाई ये दो एक्सल्स कंसीडर करें तो एन जो पॉइंट है ओ एन रो हमारे पास डिस्टेंस है और एंगल क्या है फाइव तो हम कह सकते हैं एक्सओ पा एक्स ओ वाई प्लेन में इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं रो और फाइव अब हम जो एन पॉइंट पे दो कंपोनेंट एक्सलेशन के एक्ट कर रहे हैं रेडियल एक्सरलेशन उसमें से पहला उसकी बात करते हैं रेडियल एक्सलेशन डेफिनेशन रिवाइज करें तो क्या होती है रेडियल एक्सलेशन रिजोल्व पार्ट ऑफ एक्सरलेशन होती है एट एनी पॉइंट जैसे इस केस में हमारा पॉइंट एन है अलोंग रेडियस वैक्टर जैसे इस केस में हमारा रेडियस वैक्टर क्या है ओ एन इन सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग और आर हमारा इस केस में क्या है रो ठीक है और हमारे पास रेडियल एक्सरलेशन का फॉर्मूला क्या था ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का रिजल्ट है हमारे पास फॉर्मूला होता था डी टू आर बाई डी टी पोलर कोऑर्डिनेट्स होते थे आर और थीटा अब हमारे पास है आर ओर फाइव तो हमने यही चेंज किए हैं और डायरेक्शन इसकी क्या हुई अलोंग रेडियस वेक्टर मतलब अलोंग ओ एन ट्रांसवर्स एक्सरलेशन भी हम फर्स्ट चैप्टर से ही एक बार डेफिनेशन और फॉर्मूला रिवाइज करते हैं वो

तो हमारे पास जो एन पॉइंट पे एक्सलेशन है उसके दो कंपोनेंट्स हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट उसके लिए हमने दो फॉर्मूले लिख लिए हैं क्योंकि एन पॉइंट के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे आर और थीटा के बजाय रो और फाई हैं तो दोनों फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं वो दोनों हमने रो और फाई के फॉर्म में लिख लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एन पॉइंट पे दो एक्सलेन की बात हुई एक और एक्सलेशन है जो एन पॉइंट पे एक्ट कर रही है वो क्या है एक्सरलेशन ऑफ एन पॉइंट पे नहीं सॉरी पी पॉइंट पे अब एन पॉइंट पे दो एक्सलेषन डिस्कस हो गई हैं अब हम आते हैं पॉइंट पी पे अब पॉइंट पी पे जो एक्सरलेशन है रिजोल्व पार्ट्स में और रिलेटिव टू पॉइंट एन हम दो बातें बोलेंगे अब एक्सलेशन ऑफ पी रिलेटिव टू एन क्या है डी टू जेड बाई डी टी स्क्र और ये क्या होगी अलोंग एन पी होगी तो ये एक टाइप ऑफ एक्सर्शन जो पी पे एक्ट कर रही है रिलेटिव टू एन तो एक वैल्यू ये होगी क्या अब देखो अब एक्सलेशन एट पॉइंट पी हम बात करेंगे कंपोनेंट्स में बात करेंगे अलग अलग तो सबसे पहले है अलोंग पी क्यू अलोंग पी क्यू पी Q हमारे पास पी पॉइंट से हमने क्यू पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो अलोंग पी क्यू हमारे पास कितनी एक्सरलेशन होगी और ये एक, ये वैल्यू हमने कैसे लिखी है अगर हम रेडियल एक्सरलेशन का फॉर्मूला दोबारा से ध्यान दें तो उसी फॉर्म से हमने क्या लिखी है अलोंग पी क्यू एक ये लिख ली है ऐसे ही नेक्स्ट एक्सलेशन हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर टू जेड पी के प्लेन अब जेड पी के प्लेन क्या था हमारे पास जेड पी के इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सलेशन है उसकी वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे अगेन वही रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों फॉर्मूले ये हो गए हैं और लास्ट पैरल टू ओ जेड पैरल टू ओ Z हमारे पास ओ जेड पॉइंट जो है इसके पैर ठीक है तो हमारे पास जो हमने तीन एक्सलेशन्स लिखी हैं एट पॉइंट P वही है जो हमारे पास कॉम्पोनेंट्स हमने एट N लिखे थे रेडियल ट्रांसवर्स ये ये दो वैल्यूज़ बनी हैं और एक हमने p रिलेटिव टू n लिखी थी तो हमारे पास मेन अगर हमें इस आर्टिकल के लिए रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सरलेशन के फॉर्मूले याद हैं तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं हमने अज्यूम कर लिया f1 f2 f3 टू एफ थ्री हमने एक्सलेशन के तीन कॉम्पोनेंट्स लिख लिए हैं अलोंग पी क्यू पर पेंडिकुलर टू जेड पी के एंड पैरल टू ओ जेड अगर इसको ग्राफ में भी हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं पी पॉइंट पूरा ग्राफ नहीं बनाया मैंने सिर्फ ये पी और एन पॉइंट्स बना दिए हैं पी पॉइंट ये है हमारे पास एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्स ओ वाई प्लेन पे क्यू हमने ओ जेड से ये पी और क्यू लाइन ड्रॉ की थी अब हमारे पास यहाँ पे जो एफ वन एफ टू और एफ थ्री उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है एफ वन अलॉन्ग पी क्यू है तो पी क्यू ये डायरेक्शन हो गई एफ वन की नेक्स्ट एफ टू है परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी के तो जेड पी के जो हमारे पास प्लेन था जेड पी के हमारे पास ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पे तो ये हमारे पास एफ टू की डायरेक्शन हो गई है नेक्स्ट एफ थ्री क्या है पैरेलल टू ओ जेड तो एफ थ्री हमें पैरेलल टू ओ जेड बनानी है तो एफ थ्री की वैल्यू हमने ये बना दी है ठीक है अब हम कुछ एंगल्स की बात करते हैं हमने यहाँ पे एंगल ओ पी जो हमारे पास रेडियस वेक्टर है उसका एंगल क्या माना है टीटा विद जेड एक्सिस तो ये अगर इस डायग्राम को दोबारा मैं ध्यान से देखूँ ओ था ये पॉइंट पी था और हमारे पास अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं आगे फिर हमने एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो अगर ओ पी जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो हमारे पास ये जो लाइन है और जेड एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा थीटा ही होगा ठीक है तो ये एंगल हमारे पास थीटा बन गया अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है छीटा ही होगा तो दो एंगल्स के बारे में हम हमें पता लग गया हम डायग्राम में साथ साथ अल्फा बीटा गामा और तीन एजम्पन्स ले रहे हैं अल्फा क्या है एक्सर्लेशन ऑफ पी अलोंग ओ पी रिजोल पार्ट्स ऑफ एक्सरलेशन जो हमें आंसर चाहिए क्या चाहिए हमें एक्सर्लेशन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चाहिए तो हमें एल्फा बीटा गामा ही फाइंड आउट करना है मतलब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें चाहिए एक्सर्लेशन अलोंग ओ पी चाहिए परपेंडिकुलर टू ओ पी चाहिए और परपेंडिकुलर टू प्लेन z pk चाहिए तो इस डायग्राम में मैंने अल्फा ग्राफ में अल्फा बीटा गामा भी लोकेट कर दिए हैं अल्फा क्या है हमारे पास अलोंग op तो ये लाइन o है तो अलोंग op लाइन यही होगी जैसे हमने अलोंग pq अभी बनाया था f1 बनाया था ऐसे ही अलोंग op अल्फा परपेंडिकुलर टू ओ पी ये ओ पी है तो इसके परपेंडिकुलर मैंने बीटा बना लिया है और परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी के तो जैसे कार्टिजन फॉर्म ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अगर हम इसको तीन एक्सिस फॉर्म में माने तो आप वैसे भी देख सकते हो कि मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना ली है अब जेड एक्सिस ऊपर बनानी है या फिर यहाँ पे मैंने ये गामा बना दिया है परपेंडिकुलर बनाना था टू द प्लेन जेड पी के तो अगर इस ग्राफ में अब हम दोबारा से ध्यान दें एंगल्स के ऊपर तो हमारे पास जो ओ पी और बीटा डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे है परपेंड परपेंडिकुलर टू ओ पी ही लिया है हमने अब ओ पी और ये बीटा लाइन क्या बना रही है नाइन्टी डिग्री एंगल बना रही है जिसमें से ये एफ टू या गामा सेम बन गया है एफ टू और गामा के बीच में एंगल कितना है थीटा है अभी इस छोटे इस से ग्राफ में हमने देखा था तो कंप्लीट नाइन्टी है ये थीटा है तो ये नाइन्टी माइनस थीटा रहेगा ऐसे ही यहाँ पे इस साइड भी हमारे पास एल्फा जो है अलोंग ओ पी जो डायरेक्शन थी फिर बीटा और अल्फा दोनों आपस में 90 डिग्री में हैं, तो ये 90 डिग्री रहेगा ये एंगल हमारे पास थीटा होगा और ये हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा तो टोटल 180 में क्या बनेगा थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, ये सारे एंगल्स ऐसे बनेंगे तो ये अभी हमने एंगल्स के बारे में सारी सर सारा कुछ डिस्कस किया है किस लिए क्योंकि हमें अपना आंसर जो है अब हम लास्ट स्टेप पे आना चाहेंगे आंसर फाइंड आउट करने पे हमें आंसर में अभी जैसे मैंने बोला था क्या alpha, beta, चाहिए एल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ चाहिए एल्फ़ा बीटा गामा मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स रिलेशन चाहिए अलोंग ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ पी परपेंडिकुलर टू जेड पी के प्लेन तो हमारे पास अल्फा जो डायरेक्शन है उसको अगर मैं रिजोल्ट पार्ट में देखूं जैसे ये ग्राफ का फिर से मैंने आधा पार्ट बनाया है जो भी हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं अल्फा बीटा आपस में 90 डिग्री पे हैं अल्फा बीटा के बीच में हमारे पास क्या था एक एफ वन डायरेक्शन थी और एक बीटा भी डायरेक्शन थी तो उसमें से सिर्फ मैं एफ़ वन डायरेक्शन को उठाऊँ तो इन दोनों के बीच में हमने नाइन्टी माइनस थीटा एंगल देखा था डिस्कस किया था अभी तो हमें पता है ये रिजल्ट कि अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस में से कोई भी पी पॉइंट है ओ पी हमारे पास एंगल अगर थीटा बना रहा है तो इसको हम रिजोल्व करना चाहेंगे फोर्स है या जो भी है तो यहाँ पे कोस थीटा और इस साइड हमें साइन थीटा लिखना पड़ता है तो सेम हम इसमें कंसीडर करेंगे अगर अल्फा को हम रिजोल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास एफ के साथ क्या बनेगा एल्फ़ा के लिए कोस ऑफ 90 माइनस टीटा क्योंकि एंगल अब 90 माइनस टीटा है और दूसरा हमारे पास क्या है एफ थ्री है प्लस एफ थ्री साइन ऑफ नाइन्टी माइनस टीटा तो हमने यहाँ पे अल्फा को एफ वन और एफ थ्री फॉर्म में रिजोल्व कर लिया है अब अबकोर्स 90 माइनस टीटा साइन टीटा हो गया साइन 90 माइनस टीटा Coast थीटा हो गया है तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है अल्फा की वैल्यू कैसे एफ़ वन और एफ टू की वैल्यू पुट करने के बाद एफ वन और सॉरी एफ टू नहीं एफ थ्री एफ वन और एफ थ्री की वैल्यू पुट करने के बाद एफ वन एफ थ्री क्या थे अभी जो ये हमने पीछे अजम्क्शंस मान ली थी तो एफ वन और एफ थ्री की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है तो एल्फा की वैल्यू आ गई सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू लिखेंगे बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कैसे क्योंकि हमें पता है और बीटा में क्या रिलेशन है ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है तो हमें प्लस को माइनस साइन में बदल देना है और साइन को कोस में कोस को साइन में तो डायरेक्ट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं नहीं तो हम डायग्राम से भी बना के देख सकते हैं हमारे पास ऐसे ही वैल्यू आ जाएंगी तो एफ वन कोर्स थीटा माइनस एफ थ्री साइन ठीटा में अगेन हम एफ वन और एफ थ्री की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ गई और गामा जैसे हमने ग्राफ में भी देखा था कि डायरेक्शंस के हिसाब से हमारे पास गामा और एफ टू तो सेम एक ही लाइन बन रही थी तो गामा की वैल्यू एफ टू की वैल्यू के इक्वल है तो अब हमारे पास एल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं अब इन वैल्यूज़ में बस हमें लास्ट स्टेप करना है थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर बन जाएगा हमें ये अगर ट्रायंगल हम कंसीडर करें ट्रायंगल कौन सा सिर्फ इतना सा पार्ट मैंने ग्राफ का उठाया है ओ पी क्यू इसमें से अगर ट्रायंगल हम कंप्लीट कर रहे हैं तो ओ पी ये हमें पता है वैल्यू आर है यहाँ पे ओ क्यू डिस्टेंस स्मॉल जेड है तो हमें कोस ऑफ थीटा की वैल्यू और साइन ऑफ थीटा टेन थीटा भी पता है मैं यहाँ पे कोस और साइन की ही जरूरत है तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी ओ क्यू बाय आर बनेगी बेस हाइपोटेनियस और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन थीटा हम थीटा यहाँ पे है हमें साइन थीटा चाहिए तो क्यू पी आर मिलेगी कैसे सिंपल हमने ये वैल्यूज़ लिख कैसे दी हैं हम ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का साइन पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कोर्स बी बाय एच तो हमने ये वैल्यूज़ सिंपली ऐसे लिखी हैं तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम यहाँ से जेड और रो की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे हमने अभी यहाँ लिखा कि क्यू पी की वैल्यू अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्यू पी की वैल्यू आर साइन थीटा होगी और ओ क्यू की वैल्यू आर कोस थीटा होगी तो हमारे पास यहाँ पे ओ क्यू क्या है जेड तो जेड की वैल्यू बन गई आर कोस थीटा और यहाँ से क्यू पी की वैल्यू बन गई आर साइन थीटा बट अगर हम एक बात ध्यान दें ग्राफ में जो डिस्टेंस क्यू पी है वही सेम डिस्टेंस ओ एन है और ओ एन हमने रो लिया हुआ है तो क्यू पी की प्लेस पे हम रो लिख सकते हैं तो जेड और रो की दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं अब हम यहाँ से इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टूटी तो सिंपल डिफ्रेंसीशन है ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं हमने डी जेड बाई डी टी डी टू जेड बाई डी टी स्क्र डी रो बाय डी टी डी टू रो बाई डी टी स्क्र ये चार वैल्यूज़ निकाली हैं और ये आपको सिंपल कैलकुलेशन आप अपने आप ईजीली करके देख सकते हो डिफ्रेंसीशन है बाई प्रोडक्ट रूल हमने की है ये सभी डिफ्रेंसीशंस की वैल्यू हमने डबल डेरिवेटिव ऑफ रो डबल डेरीवेटिव डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर ये हमारे पास वैल्यू हमने ऐसे ही रख ली है आंसर में साइन थीटा रहेगा डी टू जेड बाय डी टी की हमें वैल्यू रखनी है तो अगर सिर्फ हम एक देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं बाकी आप अपने आप सोल्व करके देख सकते हो अल्फा में हमें डी टू रो बाय डी टी की वैल्यू पुट करनी है तो डी टी डी टू रो बाय डी टी की डिफ्रेंसी की ये जो वैल्यू है ये हमने पुट कर दी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए माइनस रो डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर तो माइनस रो रो की वैल्यू है आर साइन थीटा तो माइनस रो डी बाय डी टी होल स्क्वेयर साइन थीटा ये एज इट इज रख दिया है नेक्स्ट वैल्यू क्या है डी टू जेड बाई डी टी तो डी टू बाई डी टू जेड बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है और साथ में थीटा लिख दिया है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे हमने डी टू रो बाय डी टी की वैल्यू पुट की है इतना साथ में साइन थीटा फिर वैल्यू में क्या था अल्फा की में माइनस रो डी फाइव बाई डी टी होल स्क्वेयर साइन थीटा था और लास्ट टर्म क्या थी प्लस डी टू जेड बाई डी टी था तो ये सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके टर्म्स जो भी प्लस माइनस में आएंगी या हमारे पास जो भी वैल्यू साइंस स्क्वेयर को स्क्वेयर की बनेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी टू आर बाय डी टी वाली टर्म को देखें तो साइंस स्क्र यहाँ पे को स्क्वेयर तो डी टू आर बाय डी टी कॉमन हो गया हमारे पास और साइंस स्क्वेयर को स्क्वेयर का एडिशन क्या हो गया वन हो गया ऐसे ही यहाँ पे हम देखें डी आर बाई डी टी डी दी थीटा बाई डी टी थी, कोस थीटा साथ में एक साइन थीटा भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस में है तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई नेक्स्ट टर्म हम देखें तो ये माइनस आर साइन स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वेयर माइनस आर को स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर है तो इसमें से हम आर और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी तो ऐसे ही आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी इन स्पेरिकल कोर्डिनेट्स आर थीटा फाइव हमारे पास बन गई है ऐसे ही बीटा की भी वैल्यू अगर हम सेम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो बीटा और गामा की भी वैल्यू ये बन जाएंगी तो हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एक्सलेशन आ गए इन स्फ़ेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा एंड फाइव दिस कंप्लीट्स आर आर्टिकल थैंक यू